नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में रीजनिंग पढ़ेंगे। आज से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो क्लॉक, यानी हम सबसे पहले क्लॉक से शुरुआत करेंगे रीजनिंग में। तो चलिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि घड़ी में तीन आपकी सुइयां होती है। कौन सी सुई होती है? एक आपकी मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। जो सबसे धीमी चलती है वो आपकी घंटे की सुई चलती है, उससे तेज मिनट की, और सबसे तेज कौन सी सुई चलती है? सेकंड की सुई चलती है। तो अब हम घंटे की सुई से शुरुआत करते हैं। किससे? घंटे की सुई से शुरुआत करते हैं। घंटे की सुई से किससे हम शुरुआत करेंगे? घंटे की सुई से जानेंगे कि ये कैसे चलती है, घंटे की सुई। घंटे की सुई, तो अब हम देखिए, ये आप जानते हैं कि जो भी सुई होती है एक पूरा चक्कर अपना लगाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? वो बनाती है 360 डिग्री का, क्योंकि वृत्त में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो मान लीजिए हम घंटे की सुई जो आपकी ये घंटे वाली सुई होती है, ये यहां मान लीजिए कि ये सुई है, ये 12 बजे से चलती है, तो ये ऐसे चलते 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 फिर 12 पे आएगी। कहां पे? 12 पे आएगी। जब 12 पे आएगी तभी वो अपना क्या करेगी? एक चक्कर पूरा करेगी, यानी जहां से चलेगी फिर वहीं पे आती है, तभी एक चक्कर पूरा करती है। तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगता है? 12 घंटा। कितना समय लगता है? 12 घंटा। यानी 12 घंटे में वो कितना चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है। कौन सी? घंटे की सुई। यानी एक चक्कर पूरा करती है घंटे की सुई, 12 घंटे में एक चक्कर अपना क्या करती है? पूरा करती है। तो अगर हम बात करें फिर ये एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, जब एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल ये बना रही है। तो अब देखिए, जब ये 12 घंटे में कितना 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? एक घंटे में कितने का बनाएगी? तो 360 बटे कितना? 12, 12 यानी 36, यानी कितने डिग्री का एंगल बना रही है एक घंटे में? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एक घंटे में जो आपकी घंटे वाली सुई है कितना? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए आपकी ये सुई हो गई, यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ पे क्या बज रहा है? एक। घंटे वाली सुई आपकी ये है, और उसके बाद ये चलती हुई यहाँ एक पे पहुंचती है। किस पे? एक पे पहुंचती है। जब ये एक पे पहुंचेगी तो जो ये एंगल बनाएगी ये कितना डिग्री का होगा? ये आपका 30 डिग्री का एंगल होगा। तो वही बात कर रहा है कि एक घंटे में जो ये घंटे वाली सुई है 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आप जानते हैं कि एक घंटे में कितना मिनट होता है? एक घंटे में होता है आपका 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। जब एक घंटे में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में ये, यानी एक घंटे में कितना 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? एक मिनट में ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो बताइए ये कितने डिग्री का बनाएगी? यानी 30 अपान क्या हो जाएगा? 60। यानी कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। यानी एक मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है आपकी? एक मिनट में ये जो आपकी सुई है हाफ डिग्री का एंगल बना रही है। कितना? आधे डिग्री का एंगल बना रही है, हाफ डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जो ये घंटे वाली सुई है आपकी एक पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है, तो एक जब 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर में 360 डिग्री बनाती है, तो एक घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। हम जानते हैं एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो जब ये एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री का बनाएगी। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 30/60 यानी 1/2, यानी एक मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मिनट वाली सुई, किसकी बात करते हैं? मिनट वाली सुई की। अब हम अगर मिनट वाली सुई देखते हैं तो मिनट वाली सुई ये बताइए कितने समय में एक चक्कर अपना पूरा करती है? मिनट वाली अगर हम सुई की बात करते हैं, किसकी? मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई जो होती है एक चक्कर कब पूरा करती है? एक चक्कर भाई जब एक घंटा इसका पूरा होता है। यहाँ पे ये 12 बजे से मान लो चलती है, 12 बजे से ये आपकी मिनट वाली सुई हो गई है, और यहाँ पे घंटे वाली सुई, ये आपकी मिनट वाली सुई, जब ये यहां से चलती है ये पूरा एक चक्कर होता है, ये फिर 12 पे पहुंचती है, तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा ना। यानी एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना मिनट लग रहा है? 60 मिनट। यानी मिनट वाली सुई को एक पूरा चक्कर करने में कितना मिनट का समय लग रहा है? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगाती है? एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाती है। यानी एक चक्कर वो क्या करती है?
पूरा करती है, कौन सी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो अब बताइए एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल। यानी 60 मिनट में वो कितना? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब बताइए एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 बटे कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। 0 से 0 छाछन 36। यानी एक मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? एक मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का एंगल बना रही है। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, इतना आप जानिए। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं कि दो सुइयों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। दो सुइयों के बीच, मिनट और घंटे की सुई के बीच का हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं? सेकंड का सुई भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड की सुई की हमें कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सेकंड की सुई। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अभी जो हमने बताया कि जो ये मिनट की सुई होती है, क्या मिनट की सुई, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 5 मिनट में 5 × 6 बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री का। यानी ये 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये आपका यहां से ये मिनट वाली सुई हो गई, ये कितना हो गया? 3 हो गया, ये 4। मिनट वाली सुई जब यहां है 3 पे, उसके बाद जब आपकी कहां पहुंचेगी? ये 4 पे। ये कहां पहुंचेगी? 4 पे। तो जो इसके बीच का एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। यानी जो भी ये एंगल, इसके बीच का जो एंगल बनेगा, ये क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ऐसे ही ये पूरे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए अब हम कोण की बात करते हैं, कैसे हम कोण निकालते हैं। देखिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपकी कोई घड़ी है, कोई घड़ी है, वो आपको दोनों मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच का आपको कोण निकालना है। सुइयों के बीच का क्या निकालना है? कोण। सुइयों के बीच का आपको कोण निकालना है। सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण, बीच का कोण आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, हम दो समय दे रहे हैं, दो समय में थोड़ा आपको डिफरेंस करना भी बता देंगे, कैसे आप डिफरेंस करेंगे। तो देखिए, अगर हम कह दें कि जो आपकी इतना एक बज के आपका 25 मिनट, एक बज के पच्चीस मिनट में मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? और हम यही कह दें 9 बज के 25 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो इसे आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप कितना, एक बज के पच्चीस मिनट देखिए, 9 बज के 25 मिनट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस घड़ी के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए 1 बज के 25 मिनट, तो ये आप घड़ी की सुई देख रहे हैं, एक बज रहा है पूरा ना। यानी एक बजने का मतलब क्या हुआ? ये घड़ी की सुई, ये जो घड़ी की सुई है आपकी, यहाँ पे ये 12 हो गया और ये यहाँ पे 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका कितना, 1 2 हो गया। हमें कितना निकालना है? 1 बज के 25 मिनट। तो अब यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं, यानी ये घंटे वाली सुई हो गई एक पे, और मिनट वाली सुई ये आपकी किस पे आ गई? 5 पे आ गई। अब यही हमें कोण निकालना है। तो ये देख रहे हैं, ये 1 बजे तो आपकी ये सुई सेम है, लेकिन अगर हम इसे 1 बज के 25 मिनट पे ले जाते हैं, 1 बज के 25 मिनट पे, कहाँ पे ले जा रहे हैं? 1 बज के 25 मिनट पर। 1 बज के 25 मिनट पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो घंटे वाली सुई है, 1 मिनट पे पूरा 1 बजे पे नहीं रुकी है, कुछ ये भी दूरी चली है ना, कुछ ये भी दूरी चली है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने क्या कहा था कि इसके बीच का जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। कितना? 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का कितना होता है? 30 डिग्री का। तो यहाँ इसके बीच का जो गैप है, 4 गैप आएगा। कैसे आप निकालेंगे? जो ये 25 है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, 4 आ गया। ये समझ में आया कैसे 4 आया? भाई इस
25 में कितना, 5-5 मिनट का हम अंतराल करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है ना। जब ये 30 डिग्री का 5 मिनट में एंगल बनता है तो हम देखते हैं कि ये चौथे डिजिट पे आएगी, हम सिर्फ डिजिट देखना चाहते हैं। तो अभी इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, यानी ये 5 पे रहेगा 25 मिनट, यानी 25 मिनट का क्या हो गया, बड़ी वाली सुई किस पे रहेगी, 5 पे रहेगी। अब एक बजे है ना, तो देखिए दोनों के बीच का अंतराल निकालने के लिए एक माइनस कर दीजिए, जो भी बड़ा रहेगा उससे आप माइनस कर देंगे, तो ये देखिए कितना आ गया 4, तो दोनों का अंतराल कितना आ गया 4। 4 अगर अंतराल आ गया, अगर इसी 4 में, 4 के अंतराल में अगर हम इसको 4 को किससे 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि भाई 120 डिग्री तब बनेगा जब ये घंटे वाली सुई आपकी एक पे रहे और मिनट वाली सुई 5 पे रहे। लेकिन यहाँ पे ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल जो समय देखेंगे, यहाँ देखिए जो ये घंटे वाली सुई है कुछ चली है, कुछ चली है ना, तभी तो, नहीं तो ये यहाँ एक के सीध में होती, एक के सीध में ना होके ये इधर कुछ चली है। कितना चली है, 25 मिनट चली है। अभी हमने बताया था आपको कि जो घंटे वाली सुई होती है एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक मिनट में हमने बताया था एक मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, तो 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आप ये देखिए, तो 25 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 25 × 1/2, तो इसका मतलब कितना हो गया 12.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने का 12.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 120 से हम क्या करेंगे, 12.5 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 120 से हम क्या करेंगे 12.5 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 120 से 12 गया कितना 108, 108 में से फिर आधा माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 107, 107.5 डिग्री एंगल आ गया। यहाँ पे क्यों माइनस किए अभी ये भी आप जान लेंगे, और अब देखिए सबसे पहले यहाँ भी देख लीजिए आप, इसका भी प्रोसेस और इसका, दोनों को अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 बजे हमने क्या कहा कि इसके एक के बीच में कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 9:25 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये आपकी घड़ी अगर हम बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 6, ये कितना हो गया 5, यानी जो आपकी घंटे वाली सुई यहाँ होनी चाहिए और मिनट वाली सुई आपकी कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। 9:25 तो यही हुआ ना, घंटे वाली सुई आपकी 5 पे होनी चाहिए, वो 9 पे होनी चाहिए और मिनट वाली सुई 5 पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आप ऐसे देख के आप कर ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे दिमाग लगाएंगे, तो सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करिए, तो ये कितना आ गया 5 आ गया ना, 5 आ गया। अब दोनों के बीच का हमें गैप निकालना है, जो भी बड़ा है छोटे से माइनस कर दीजिए, छोटे वाले को बड़े से माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 गया कितना आ गया, 9 में से 5 गया आपका कितना आ गया 4। अब देख लीजिए यहाँ पे भी देख लीजिए गैप कैसे निकालेंगे, ये यहाँ ये हो गया ना आपका, ये सुई 9 बज रही है और यहाँ पे ये एक आ गई कितना 5। अब दोनों के बीच गैप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 का गैप आया ना, सेम वही आया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको 30 को, 4×30 कितना हो गया 120 हो गया, 4×30 कितना हो गया 120 हो गया। अब एक चीज और देखिए इस घड़ी में, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ये कम हुआ यानी इधर बढ़ा है, इधर बढ़ा है, ये यहाँ पे होता तब आपका हमने एक वाले में जो बताया था माइनस क्यों किया था, क्योंकि जो एक वाला ये घंटे वाली सुई थी इसी 25 की तरफ आगे आ गई थी, जब 25 की तरफ आगे आ गई थी तो क्या हुआ कुछ कोण आपका क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन 9:25 पे आप देखिए क्या होगा, 9:25 वाला जो आपका प्रोसेस होगा वो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले हम 9:25 बजाते हैं इस घड़ी में, तो देखिए 9:25 ये बस 2 सेकंड हो गया, 9:25 देखिए ये घड़ी, ये जो आपकी घड़ी है, घड़ी में मिनट वाली सुई आपकी 5 है और घंटे वाली सुई 9 पे नहीं है, 9 से क्या हो गई है बढ़ गई है, यानी अगर हम इसको यहाँ पे देखें जो एग्जैक्ट ये यहाँ पे, तो ये 120 डिग्री होगा इस घड़ी के अकॉर्डिंग आपका 120 डिग्री होगा, लेकिन वास्तविकता में क्या ये ऐसे ही होगी घड़ी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये 9 से क्या हो रहा है कुछ ज्यादा हो रही है ना, जब 9 से कुछ ज्यादा होगी तो ये क्या होगा दूरी आपकी बढ़ जाएगी, यानी ये जो आपकी सुई है 9 वाली ये कहीं यहाँ पे आएगी,
कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। इसे अगर हम 10 मानते हैं तो, इसे अगर हम 10 मानते हैं तो 9 वाली सुई आपकी वहां ना रहके कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ आगे बढ़ेगी। तो ये एंगल हमें क्या होगा, अब निकालना होगा। हम सिर्फ इसी एंगल की वैल्यू कितना निकाले हैं, 120 निकाले हैं। अब जब हम ये एंगल की वैल्यू निकालेंगे, 120 में जोड़ देंगे, तब हमारा एग्जैक्ट एंगल निकलेगा। तो अब देखिए, हमने क्या बताया था कि आपको मिनट वाली सुई, वो घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो बनाती है हाफ डिग्री का। तो यहां पे देखिए, जो मिनट वाली सुई 25 मिनट चली है, तो साथ में मिनट वाली सुई के साथ घंटे वाली भी सुई चलती है। घंटे वाली सुई कितना, 25 मिनट वो भी चली ना, घंटे वाली सुई 25 मिनट, लेकिन उसकी चाल कम होती है तो वो कम दूरी तय करती है। तो 25 मिनट में वो कितना डिग्री एंगल बनाएगी वो निकालिए। तो एक मिनट में जब हाफ डिग्री बनाती है तो 25 मिनट में वो कितना बनाएगी, 25 मिनट में वो बनाएगी 25 गुणे हाफ, तो यानी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 डिग्री। तो 120 में जब हम कितना जोड़ेंगे, 120 में जब हम 12.5 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132.5 डिग्री, यानी 132.5 डिग्री ये एंगल आ गया। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो अभी जो हमने आपको बताया था 1 बजे वाला, यहाँ पे देखिए जो ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को अभी क्रॉस की है नहीं की ना, घंटे वाली सुई को जब ये क्रॉस करेगी, जब ये यहाँ पे ये जो मिनट वाली सुई है 9:25 में, अभी मिनट वाली सुई क्रॉस नहीं की है, मिनट वाली सुई जब इसको क्रॉस कर ली तब आपका समय माइनस होता है। तब आपका समय क्या होता है, माइनस होता है। अगर मिनट वाली सुई अगर आपकी क्रॉस नहीं करती है तब आपका समय क्या होगा, प्लस होगा। ये जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्रॉस नहीं की है इसलिए प्लस किया है। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी हमने बताया था 1:25 पर, 1:25 पे आते हैं, तो जब हम 1:25 की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे तो 1 बजा ना, एग्जैक्ट आपका 1 बज गया। अब देखिए मिनट वाली सुई जब आपकी 25 मिनट पे पहुंचेगी, 1:25 पे, 1 से 1:25 पे, तो ये देखिए घंटे वाली सुई को क्रॉस की ना, तो घंटे वाली सुई को जब क्रॉस करेगी तो वो क्या हो जाएगा, समय जो भी डिग्री होगा वो माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस किए। आ रहा है समझ में, यानी क्लॉक से अगर देख के आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार हम और आपको देते हैं, तो जल्दी से आप करिए, देखिए अभी तुरंत आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें 2:30 की बात करते हैं, 2:30 और यहाँ भी अगर हम बात करते हैं किसकी, 10:30 की, 2:30 या 8:30, 10:30 कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे 10:30 की बात करते हैं, तब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए 4, अंतराल कितना आ गया 4। अब हम 4 को क्या करेंगे, किससे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 आ गया। देखिए ये चीजें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप घड़ी बना लीजिए, क्या कर लीजिए, घड़ी बना लीजिए। ये आपने घड़ी बनाया तो यहाँ पे 12 बज गए और यहाँ पे कितना बज गया, 6 बज गया, यहाँ पे आपका 3 बज गया, ये 1 2 1 2, उसके बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हमें बताना क्या है, 2:30, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आपकी मिनट घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 2:30 हो गया। अब इसके अंतराल को हम गिनते हैं, एक अंतराल हो गया, यानी 30 डिग्री यहाँ हो गया, 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 तो 1 2 3 4, यानी कितना हो गया, 120 डिग्री। यही चीजें हमने आपको बताया कैसे करना है, तो ये सबसे आसान विधि है। ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि एग्जाम में वहां पे आपके पास समय कम होता है ना, जब समय कम होता है तो आपको क्या चाहिए,
कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ घड़ी बनाने के लिए हमें समय नहीं है, तो हम ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये घड़ी हम हटा दिए। अब देखिए 120 डिग्री हो गया। अब एक चीज और यहां से देखिए, जो अभी ये घड़ी हमने बनाया था कि ये 12 था और यहाँ पे ये 6 था, ये 3 था, यहाँ पे ये 2 था, तो ये आपका 2:30 2:30 ये एग्जैक्ट समय यही होना चाहिए, तभी ये कितना होगा आपका 120 डिग्री होगा। क्या एग्जैक्ट समय यही होता है? एग्जैक्ट समय तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 2:30 जब होगा तो घंटे वाली सुई भी साथ में चलेगी ना। तो देखिए 2:30 पे क्या होता है, देखिए 2 बजे तो यहाँ पे घंटे वाली सुई 2 पे ही है, लेकिन अगर 2:30 पे जाते हैं तो घंटे वाली सुई क्या होती है आपकी, कुछ चलती है। कितना चली? ये देखिए 30 मिनट चली ना, अब 2 पे एग्जैक्ट नहीं रह गई, तो ये इधर बढ़ी है ना। ये 2 वाली जो सुई है, ये समझिए कि ये यहाँ ना रह के ये सुई यहाँ आ गई है। क्या हो गई है? यहाँ आ गई है। यानी इतना डिग्री का जो आपका एंगल है ये क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये 30 की तरफ आ रही है ना। ये पूरा एंगल आपका 120 बन रहा है, लेकिन उसमें से ये कुछ एंगल जो आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो सुई है घंटे वाली, ये सुई आपकी बढ़ रही है। ये देखिए, ये घंटे वाली सुई यहाँ ना होके क्या हो रही है, नीचे आ रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। कितना माइनस होगा? घंटे वाली सुई कितना चल रही है? 30 मिनट चल रही है ना। आपकी घंटे वाली सुई 30 मिनट चल रही है। आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कितना चलेगी? 30 मिनट में वो चलेगी 30 गुणे कितना, 1/2 बराबर कितना, 15 मिनट चलेगी। तो अब हमारा जो वास्तविक समय होगा 2:30 जो मतलब एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 से कितना 15 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। कितना? 105 डिग्री। अब इधर भी हम वही देख लेते हैं, यहां हम घड़ी बनाते हैं, ये घड़ी बना दिए, तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और यहाँ पे हमने 10 बजा दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी घंटे वाली सुई हो गई, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, यहाँ पे दोनों के बीच एग्जैक्ट जो आपका आएगा एंगल वो देखिए। तो सब वही प्रोसेस यहाँ भी कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया ना। 10 में से 6 को माइनस करिए, 4 आ गया, 4 गुणे क्या करिए, 30। तो ये समझ में आया 120 कैसे हो गया, 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये तो 120 डिग्री ये एग्जैक्ट समय है। 10 पे अगर सुई रही घंटे वाली और मिनट वाली सुई 6 पे रही, तो क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? तो चलिए देख लेते हैं एक बार, इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो वास्तविकता में ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं यही समय होगा? यहाँ तो हम घड़ी उसमें आपके बोर्ड में हम तो वैसे बना दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक जब समय देखते हैं तो उससे कुछ क्या होता है, हटके होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने किया ना, 10:30 बज गए, ये देखिए 10:30 आपका बज गया। 10:30 बजा तो ये जो घंटे वाली सुई है, यानी 10 बजे से क्या हो गई, ऊपर उड़ गई ना। ये जो आपकी घंटे वाली सुई है ये यहाँ कहीं आ गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे कहीं आ गई, यहाँ पे कहीं आ गई, तो ये इतना दूरी क्या चली, एक्स्ट्रा चल रही है। तो ये तो हमारा कितना था, 120 था, जो ये एक्स्ट्रा चली है ये इसमें क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा चली है, 30 मिनट चली है। 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 15 डिग्री। 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 15 डिग्री। यहाँ पे अभी हमने निकाला है 30 मिनट मतलब कितना, 15 डिग्री, तो यहाँ हम 15 डिग्री ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, ये समझना बहुत ही आसान है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो देखिए यहाँ पे ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं की है। जब अगर ये घंटे वाली सुई को क्रॉस कर देती तो क्या होता, ये जो समय आपका प्लस हुआ है ये माइनस हो जाता। यहाँ 2:30 में आपकी जो घंटे वाली, मिनट वाली सुई थी, घंटे वाली सुई को क्रॉस कर दी। जब क्रॉस कर दी तो ये समय क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है, कोई भी ट्रिक और नहीं याद रखनी है, बस सिर्फ ये चीजें, सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करना है, फार्मूला बिल्कुल नहीं याद करना है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस से ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा।